ओके ट्रेडर्स, वेलकम टू द बेसिक एडवांस प्राइस एक्शन कोर्स। इस कोर्स का ये अपना चौथा वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में अपन बात करने वाले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर। अगर आपने पहले तीन वीडियो नहीं देखा होगा, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न और वॉल्यूम के ऊपर, अगर ये तीन वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो वीडियो के एंड में दे दूंगा। इस वीडियो में क्या साइकोलॉजी है, कैंडलस्टिक पैटर्न की क्या साइकोलॉजी है, चार्ट पैटर्न की क्या साइकोलॉजी है, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। वॉल्यूम क्यों इंपॉर्टेंट है मार्केट में वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे अपन जब प्राइस एक्शन पूरा एक सेटअप बनाएंगे, एक ट्रेडिंग सेटअप बनाएंगे, उसमें वॉल्यूम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अपन बात करने वाले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर अपन क्या क्या आज पढ़ने वाले थोड़ा देख लेते हैं। पहले पढ़ने वाले व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उसके बाद हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, व्हाट हैपेंड नियर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन, डिफरेंस बिटवीन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन, एंड आखिर में पढ़ने वाले हाउ टू ट्रेड विद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस विद कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न प्लस वॉल्यूम, ये तीनों को मिला के कैसे ट्रेडिंग सेटअप अपन रेडी करेंगे, इसमें अपन जानने वाले। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, एक आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूं। ये दो लाइन हो गई, ये एग्जांपल की तरह ले लो कि आप एक रूम में बैठे हुए हो। ओके, ये रूम में आप बैठे हुए हो, जहां पे ये वीडियो देख रहे हैं, एक रूम में आप बैठे हुए। ये क्या है, नीचे का फ्लोर है, नीचे का एक फ्लोर है। यहाँ पे अगर आप एक बॉल बाउंस करोगे तो कितना तक ऊपर जा सकता है, फ्लो पे एक आपने बॉल बाउंस किया तो कितना तक ऊपर जाते है, सीलिंग तक ऊपर जा सकता है। फिर सीलिंग से बाउंस होकर क्या होगा, फिर नीचे आएगा। तो वैसे ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करता है। एग्जांपल में बोल दू, ये क्या ऊपर का अपना रेजिस्टेंस और नीचे का क्या है सपोर्ट। रेजिस्टेंस मतलब क्या है, अपना सीलिंग, और सपोर्ट क्या है, अपना फ्लोर। तो हमेशा हर वीडियो में मैंने कहा है, रेजिस्टेंस पे कौन बेटर रहते हैं, सेलर, जो मार्केट को हमेशा नीचे रखना चाहते हैं, ऊपर से गिराना चाहते हैं। हमेशा याद रखना, रेजिस्टेंस पे सेलर बेटर रहते हैं, और सपोर्ट पे कौन रहते हैं, बायर्स, जो हमेशा मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहते हैं। तो इतना समझ में आया, एक बात याद रखना, रेजिस्टेंस, हर रेजिस्टेंस पे सेलर बैठे और हर सपोर्ट पे बायर्स बैठे। सेलर्स क्या करेंगे, ऊपर से मार्केट को नीचे गिराएंगे, और बायर क्या करेंगे, नीचे से मार्केट को ऊपर चलाएंगे। इतना समझ में आया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। आगे और देखते हैं, और एग्जांपल की तरह बता देता हूं सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे काम करता है। ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस पे कौन बैठे, सेलर, ये क्या है सपोर्ट, यहां पे कौन बैठे, बायर्स। ओके, एक स्टॉक की प्राइस है यहाँ पे, ये 100 रुपीज है, सपोर्ट की प्राइस क्या है 100 रुपीज, और ये क्या है 500 रुपीज रेजिस्टेंस है। अभी मेरे को एक बात बताओ, कोई भी आदमी कुछ भी खरीदने की कोशिश करेगा वो कितने में खरीदने की कोशिश करेगा, जितने कम भाव में मिलेगा उतना। ओके, कितने कम रेट में मिलेगा उतना आदमी खरीदने की कोशिश करेगा। एग्जाम्पल की तरह बताता हूँ, मेरे पास एक पेन है, मैं शॉप में जाता हूँ उसको बाय करने के लिए, शॉप वाला बोलता है इसकी प्राइस है 100 रुपीज, और दूसरे शॉप में जाता हूँ वही बोलता है इस पेन की प्राइस है 500 रुपीज। तो मैं कहाँ से खरीदने की कोशिश करूंगा, जो उसकी 100 रुपीज की वैल्यू है वहां पे ही बाय करने की कोशिश करूंगा ना। तो इसलिए हमेशा बायर्स उसकी जो भी फेयर वैल्यू होगी उससे कम में खरीदने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर स्टॉक की कीमत है, यहाँ पे किधर बीच में होगी,
तो लोग नहीं, वो लोग नहीं बाय करने की कोशिश करेंगे, 300 पे होगी, 400 पे होगी, क्योंकि फेयर वैल्यू क्या है उसकी 100। तो जब भी स्टॉक वो 100 पे आएगा तो वहां पे बायस एक्टिवेट हो जाएंगे, क्योंकि उसकी फेयर वैल्यू 100 ही है, तो वहां से वो लोग बाय करना चालू करेंगे, स्टॉक को बाउंस बैक कर देंगे। और एक बात बोलता हूं, अगर आपने 100 रुपीज में वो पेन खरीदा, अगर सेल करने जा रहे हो उसके अपन को अगर 500 रुपीज मिल रहे, फेयर वैल्यू से ज्यादा मिल रहे, तो आप क्या करोगे वहां पे, सेल करोगे? अगर आपको 100 रुपीज में खरीदा, उसकी अभी नेक्स्ट शॉप में गए, आपको उसको बेचना है, तो उसकी फेयर वैल्यू 100 से ज्यादा है, 500 में मिल रही है सेल करने के टाइम पे, तो आप क्या करोगे? सेल ही करोगे ना वहां पे। इसलिए वो सेलर्स यहाँ पे बैठे रहते, वो फेयर वैल्यू से ज्यादा हो गई, तो उसकी वैल्यू है 100, तो उससे डबल ट्रिपल गुना हो गए, तो उसको वहां पे सेल करना ही है। इतना समझ में आया ना, क्योंकि फेयर वैल्यू 100 थी, तो 100 से भी ज्यादा हो गई, तो ऊपर से वो लोग सेल करने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमेशा याद रखना, एक बात हमेशा याद रखना, रेजिस्टेंस पे सेलर बैठे हैं और सपोर्ट पे बायर्स बैठे, तो ये दोनों के बीच में ही चालू है। और एक बात बताता हूं, मैक्सिमम 70-75% मार्केट रेंज बाउंस होता है, एक रेंज में ही चलता है। आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एक बात बता देता हूं आपको, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर इंटरचेंज, दोनों एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाते हैं। कैसे? ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ये क्या है, रेजिस्टेंस आर सपोर्ट एस, मार्केट इसके बीच में ऐसे ऐसे चल रहा है, इसको अभी ब्रेक कर दिया और यहां पे एक रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, अभी इसको ब्रेक करके ऊपर गया तो ये आर फ्लिप हो जाएगा एस में, इंटरचेंज हो जाएगा, आर हो जाएगा एस में और ये हो जाएगा अभी रेजिस्टेंस। इतना समझ में आया, क्योंकि फिर ये जाएगा ऊपर, बाउंस बैक करेगा, फिर सपोर्ट हो गया ये, फिर ये इसके नीचे ऐसा ऐसा करेगा। एक एग्जांपल की तरह बता देता हूं, एक आप रूम में खड़े हो, रूम का ही एग्जांपल लेंगे अपन, ये क्या है सपोर्ट फ्लोर आपका, ये क्या है रेजिस्टेंस सीलिंग, ओके। अगर आप यहां से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हो, ऊपर बार बार ऊपर जाने की कोशिश, पर ऊपर से नीचे आ रहे हो, क्योंकि वो सीलिंग है, रेजिस्टेंस है, आप इसके ऊपर नहीं जा सकते। अब आपने एक काम कर दिया, ड्रिल मशीन लेके आई, ड्रिल मशीन लेके आई, यहाँ पे छेद बीत करके इसको ब्रेकआउट करके छेद किया, लैडर लगाया, कैसे भी करके इसके ऊपर खड़े हो गए, इसके ऊपर आप अभी खड़े हो गए, तो ये क्या हो गया आपका, ये अभी आपका सपोर्ट हो गया, क्यों, ये आपके लिए फ्लोर हो गया, और रेजिस्टेंस क्या हो गया, उसके ऊपर का जो सीलिंग होगा वो आपके लिए रेजिस्टेंस हो गया। समझ में आया फ्लिप कैसे हो जाता है? अभी यहां आप खड़े हो, यहां पे आप खड़े हो, रेजिस्टेंस क्या अपना ही है, फ्लोर, ऊपर नहीं जा सकते हो, तो आपने यहां पे लैडर लगा के इसको ब्रेक कर दिया, इसके ऊपर चले गए, ड्रिल मशीन लिए, खड्डा बिटा मार के पूरा ऊपर चले गए, और यहां पे आप खड़े हो गए, तो ये आपके लिए क्या होगा, अभी सपोर्ट का काम करेगा ना, वो जो सीलिंग था, सीलिंग के ऊपर खड़े हो गए तो नेक्स्ट फ्लोर पे आप चले गए, तो आपके लिए क्या करेगा वो, सपोर्ट का काम, और उसका सीलिंग है वो आप उनको रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो मार्केट फिर ऐसा चलेगा। तो आपको ये पता चला, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंटरचेंज हो जाते हैं। अगर ये ऊपर गया, यहां से फिर नीचे गिर गया, यहां से फिर गिर गया, तो ये एस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस, और ये सपोर्ट। जिस खड्डे से आपने ड्रिल बिल मार के, यहां से आप ऊपर चले गए थे, यहां से आप नीचे गिर गए फिर से, तो ये क्या आपका रेजिस्टेंस है, यहां पे खड़े हो जाओगे, यहां पे खड़े हो जाओगे, फिर ये सीलिंग आ जाएगा ऊपर, फिर वो क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये समझ में आया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंटरचेंज होते रहते हैं। आगे देखते क्या है,
व्हाट हैपेंड नियर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के नजदीक क्या हो सकता है? व्हाट हैपेंड नियर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के नजदीक क्या हो सकता है? तीन ही पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी ब्रेकआउट, सेकेंड मार्केट वहां से रिवर्सल हो सकता है रेजिस्टेंस और सपोर्ट से, और थर्ड क्या है, जो फ्रेक ब्रेकआउट बोलते हैं, ब्रेकडाउन होते हैं, वही हो सकता है। अगर फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या है तो आप बता देना मेरे को कमेंट बॉक्स में। देखते हैं ये क्या है, रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, ये आर, ये एस। कैसे अपन ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है वो मैं आपको चार्ट में बता दूंगा। पहले साइकोलॉजी को समझो, रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, सपोर्ट कैसे काम करता है, उसकी साइकोलॉजी को समझो, फिर मैं आपको चार्ट पे लेके जाके कैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, सब कुछ बता दूंगा। पहले साइकोलॉजी समझो, क्या पहली पॉसिबिलिटी अपनी, ब्रेकआउट, यह मार्केट ऐसा गया यहां से ब्रेकआउट दे दिया, यह फर्स्ट पॉसिबिलिटी, मार्केट यहां से ब्रेकआउट हो गया। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है अपनी, रिवर्सल, मार्केट रेजिस्टेंस को टच किया, मार्केट फिर नीचे आ गया, ये क्या है अपनी सेकेंड पॉसिबिलिटी। थर्ड क्या हो सकता है, मार्केट यहां से ऊपर गया, ब्रेक ब्रेकआउट करके नीचे आ गया, ये अपनी थर्ड पॉसिबिलिटी है। तो इसमें से अपन विनिंग रेशियो देखेंगे तो कितना है अपना, 2/3। ब्रेकआउट में अपन कमा सकते हैं, रिवर्सल में भी अपन कमा सकते हैं, मेन प्रॉब्लम है ब्रेक ब्रेकआउट। ब्रेक ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या नहीं, अपन कर सकते हैं, यह भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। ब्रेक ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करना भी अपन को आना चाहिए, वो कैसे कर सकते हैं, ऐसे कैसे कर सकते हैं ब्रेक ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई, मैं आपको इस चार्ट में बता देता हूं। यहां पे ब्रेकडाउन कर दिया, ब्रेकडाउन कर दिया, फिर रिवर्स होके ऊपर चला गया। तो इसलिए मैं बोलता हूं, जो अपने पहले तीन वीडियो है, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न और वॉल्यूम के ऊपर, ये तीनों को मिला के और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, ये चारों को मिला के अपन ट्रेडिंग सेटअप में बनाने वाले, जिसमें अपन ये फेक ब्रेकआउट है वो भी कैसे आइडेंटिफाई करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए बोलता हूं, अगर आपने तीन वीडियो नहीं देखा होगा तो वो वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो ऊपर आई बटन में दे दूंगा। आगे जानते क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कितने बार टेस्ट करेगा वो वीक होते जाता है। एक बात याद रखना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कितने बार टेस्ट करेगा वो वीक होते जाएगा, मैं कैसे वो भी बता देता हूं। पहले बात, आपको कैसे पता चलेगा वही सपोर्ट है वही रेजिस्टेंस है, मार्केट यहां से ऊपर आया, यहां से रिवर्स हो गया, तो आप बोल सकते यही रेजिस्टेंस है यहां पे, क्योंकि फर्स्ट टच में रेजिस्टेंस और सपोर्ट आइडेंटिफाई नहीं होता है, फर्स्ट टच में सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई नहीं होता है, वो नीचे गया, फिर यहां पे टेस्ट किया, यहां पे एक टेस्ट किया, यहां से फिर नीचे आ गया, तो यहां पे भी एक बेरिश कैंडल बना देगा वो, रेजिस्टेंस तभी अपना कंफर्म हो जाएगा, यहां से फिर नीचे आएगा। आपने एक मार्केट में सुना होगा डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, कभी फोर टॉप, फाइव टॉप, सिक्स टॉप, कभी मार्केट में सुना है क्या? मैक्सिमम अपन क्या सुनते हो, डबल टॉप, नहीं तो ट्रिपल टॉप, उसके आगे कभी सुना नहीं है, सिक्स टॉप बन रहा है, सेवन टॉप बन रहा है, नहीं ना। तो इसलिए मैं बोलता हूं, जितनी बार ये टेस्ट होएगा उतना वो कमजोर होते जाएगा। क्यों कमजोर होगा, ये क्या है, रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, यहां पे कौन बैठे है, बायर्स, यहां पे कौन बैठे सेलर्स, यहां से मार्केट गया ऊपर, उन लोग ने यहां से सेलिंग चालू कर दी, यहां पे थोड़ा पैसा लगा के मार्केट को नीचे गिरा दिया, फिर यहां पे आया, यहां से बायर्स ने फिर खरीदा, मार्केट को यहां से फिर ऊपर लेके गए, सेकेंड टाइम सेलर क्या बोला वो फेयर वैल्यू के वहां पे आ रहा है, तो वहां से मेरे को फिर से गिराना है, फिर थोड़ा पैसा लगा के यहां से मार्केट को गिरा देंगे, फिर बायर्स यहां से खरीदना चालू कर देंगे, तो उसके बीच में ही चालू रहेगा, पर एटलास्ट बायर्स और सेलर भी मार्केट में लिमिटेड है,
उनके पास जो मनी है पैसा है वो भी लिमिटेड ही है, तो कितने बार, दो बार टेस्ट होएगा, तीसरी बार टेस्ट होगा, पर चौथी बार टेस्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे उन लोग ने गिरा दिया, पैसा इतना था उसने उन लोग ने लगा दिया, थोड़ा यहाँ पे लगा दिया, थोड़ा यहाँ पे लगा दिया, उसके बाद ये ब्रेक तो होना ही है। इसलिए एक बात रखना, हर पैटर्न में और हर चार्ट में अपन को ट्रिपल टॉप ही दिखता है, फोर टॉप फाइव टॉप नहीं दिखाई देता है। तो बायर्स और सेलर्स मार्केट में लिमिटेड ही है, इसलिए मैं बोलता हूं जितनी बार वो टेस्ट हुआ उतनी बार वो कमजोर होते जाएगा। यहां पे मैं एक बार फिर से समझा देता हूं, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, यहां से बायर लोग ने बाय करना चालू कर दिया। एक बार टेस्ट हुआ, कैसे पता चलेगा ये रेजिस्टेंस है? फर्स्ट टेस्ट में अपन को पता नहीं, यहां से मार्केट गिरा, लोग ने, सेलर लोग ने यहां से मार्केट को गिरा दिया, यहां पे आ गया, यहां से बायर्स लोग ने खरीदना, अपन को और तक पता नहीं है ये रेजिस्टेंस है कि सपोर्ट है, कुछ पता नहीं है। कभी ये कंफर्म हो जाएगा रेजिस्टेंस है जब सेकेंड टाइम टेस्ट करेगा, सेकेंड टाइम टेस्ट करेगा उसके बाद ही कंफर्म हो जाएगा ये रेजिस्टेंस है, क्योंकि फर्स्ट टेस्ट में रेजिस्टेंस कंफर्म नहीं होता है। जब सेकेंड टाइम टेस्ट करेगा तो अपना ये रेजिस्टेंस कंफर्म हो जाएगा, ये अभी रेजिस्टेंस है अपना। तो यहां से मार्केट आया, सपोर्ट भी कैसे, जैसे यहां पे टेस्ट करेगा फिर ऊपर गया तो अपना ये कंफर्म हो जाएगा ये सपोर्ट है, तभी अपना ये कंफर्म हो जाएगा ये सपोर्ट है। इसलिए मार्केट में आप हमेशा सुनते हैं टू टॉप, थ्री टॉप, फाइव टॉप, सिक्स टॉप कभी नहीं सुनते। तो जितनी बार ये टेस्ट करेगा उतना ये कमजोर होते जाएगा, समझ में आया? आगे देखते हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन। अभी ये सपोर्ट क्या होता है और ट्रेंड लाइन क्या होता है उसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ होता है वो देखते हैं। ये मार्केट ऐसे ऐसे चल रहा है, प्राइस एक्शन बना बना के चल रहा है, तो अपन ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये अपना ट्रेंड लाइन हो गया और ये क्या हो गया ऊपर की लाइन, तो ये भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही हो गया, ये अपना हो गया रेजिस्टेंस और ये हो गया सपोर्ट। पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना मुश्किल नहीं है, ये हो गया स्ट्रेट लाइन आता है रेजिस्टेंस का और ये सपोर्ट का। एक बात मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको ट्रेंड लाइन जो भी ट्रेंड लाइन बन रही है, उस, अगर आपने कोई भी चार्ट खोला, ट्रेंड लाइन आइडेंटिफाई करने के लिए आपको बहुत मुश्किल हो रही है, तो वो ट्रेंड लाइन सक्सेसफुल नहीं होगी। ट्रेंड लाइन हमेशा, कभी भी चार्ट खोला तो अपन को ऐसा ट्रेंड लाइन दिखना चाहिए, ओके ये एक ट्रेंड लाइन है, ये एक ट्रेंड लाइन है, चार्ट पे दिखा देता हूं अपन को, एग्जांपल के तौर पर निफ्टी में भी दिखा देता हूं। ये मैंने अभी निफ्टी का चार्ट खोला, ट्रेंड लाइन आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, यहां पे दिख रहा है मेरे को एक ट्रेंड लाइन, तो ट्रेंड लाइन जैसे ही चार्ट खोला तो आइडेंटिफाई करने के लिए मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ट्रेंड लाइन आइडेंटिफाई करने का प्रॉब्लम हो रहा है, ओके ये कौन सा ट्रेंड लाइन है, ये कौन सा ट्रेंड, तो वो ट्रेंड लाइन सक्सेसफुल नहीं होने वाली है, समझ में आया? आगे देखते डिफरेंस बिटवीन सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन, तीनों का डिफरेंस क्या है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऐसे, ओके ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, सीधा पता चलता है ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, मार्केट ऐसा चलेगा। पर ट्रेंड लाइन को आइडेंटिफाई करने के लिए वो ऐसा मार्केट चलेगा, उसमें ट्रेंड लाइन कैसे चलेगा ऐसे, ऐसे कुछ तो चलेगा, ये ट्रेंड लाइन ऐसी बनेगी, ऐसे कुछ ट्रेंड लाइन बनेगी, दोनों भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ही काम करेगा। इसमें भी ये रेजिस्टेंस है, इसमें ये सपोर्ट है, इसमें भी ये रेजिस्टेंस है, इसमें भी ये सपोर्ट है। इतना बात याद रखना, जो अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो ऐसे ही चलेगा और ट्रेंड लाइन खाली ऊपर चलेगी। ये वीडियो अपन दो पार्ट में बनाते, पार्ट वन यहां पे एंड कर लेते,
पार्ट टू में क्या क्या आने वाला है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। पार्ट टू में अपन पढ़ने वाले हाउ टू ट्रेड विद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस विद कैंडलस्टिक पैटर्न एंड चार्ट पैटर्न प्लस वॉल्यूम, ये तीनों को मिला के एक सेटअप रेडी करेंगे। और जो फ्रेक ब्रेकआउट और जो ब्रेकडाउन होता है उसको भी आइडेंटिफाई कैसे करते हैं वो भी आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।